हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी। आपका स्वागत है, मैं सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आगे लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में लेसन 21 हाउ टू ग्रो लिंक्डइन ग्रुप फास्ट, यानी कि लिंक्डइन ग्रुप को तेजी से कैसे बढ़ाएं, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे और साथ ही समझेंगे कुछ की पॉइंट्स। और आज का हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि किस प्रकार से जब एक लिंक्डइन ग्रुप अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर कैसे हम इसको एक फास्टली ग्रो कर सकते हैं, इसी के बारे में टिप्स और कुछ स्टेप्स को जानेंगे। तो देन इसी के साथ, जैसे कि हमने लेसन 20 में जाना था कि किस प्रकार से एक लिंक्डइन ग्रुप को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या चीजों को मैनेज किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने के बाद अब यहाँ पे आप जानने वाले हैं कि किस तरह से हमारे लिंक्डइन ग्रुप को फास्ट कर सकते हैं जब हम अपना ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, और उसे फास्टली ज्यादा लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से लेकर नेटवर्क तक किस प्रकार की चीजों को हमें कैसे फॉलो करना चाहिए और साथ साथ किस प्रकार से ग्रो करना चाहिए, उसके बारे में आपको 10 स्टेप बताने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। ऑप्टिमाइज योर ग्रुप डिस्क्रिप्शन। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लगाए उसे ऑप्टिमाइज करते रहना है, और ऑप्टिमाइज किस प्रकार से करना है इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। जो वन वे अट्रैक्ट जो होते हैं, बहुत से मेंबर्स को अट्रैक्ट करता है ज्वाइनिंग करने के लिए लिंक्डइन ग्रुप पर, ऑप्टिमाइज करते हैं आपके ग्रुप के लिंक्डइन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिंक्डइन ग्रुप पर कुछ डिस्क्रिप्शन बनाओ तो उसे एक सही तरीके से ऑप्टिमाइज करो। आपको इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन लिखना है जो एक साथ ही साथ लोगों को वन वे टू अट्रैक्ट करे और नए नए मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन होने को बोले। देन इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो एक लीड होनी चाहिए अल्टीमेट रीजन के साथ में। लोगों को पता होना चाहिए क्यों उन्हें इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए, कोई पास सामने आपको एक रीजन देना होगा कि अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपकी करियर से लेके आपकी स्किल ग्रोथ से लेके हर एक चीज का नॉलेज आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो इजिली तरीके से अगर आप सामने वाले पर्सन के सामने अगर इस प्रकार की रीजन रिलेटेड चीजें रखते हो, रीजन से रिलेटेड चीजें रखते हो, तो यहाँ पे हायर चांस होता है कि हमारा जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से ग्रो करता है। देन इसी के साथ ही हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे हमें पहले लोगों को दिखानी होगी, हाईलाइट करनी होगी, क्या पका किस तरीके हम वैल्यू प्रोपोजिशन देने वाले इस सेक्शन में या इस डिस्क्रिप्शन में, तो इस चीज का हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। तो जब भी हम ग्रुप क्रिएट करें तो हमें सही तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाना होगा, और साथ ही साथ अक्सर हमें स्पेलिंग चेकआउट करने से लेकर हमारा पर्पस हमें पता होना चाहिए कि हम जो ग्रुप है वो किस लिए बना रहे हैं, लोगों का क्या बेनिफिट होगा इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। अगर हम किसी के सामने पर्पस और रीजन दोनों ही अगर रख देते हैं तो इजिली तरीके से यहाँ पर एक हायर चांस होता है कि हमारे ग्रुप में डिस्कशन आगे बढ़ने लगता है और ग्रुप भी ग्रो करने लगता है। तो इजिली तरीके से एज ए डेमो आप देख पाओगे किस तरह से लोग अपने ग्रुप में डिस्कशन लगाते हैं, तो आपको भी अट्रैक्टिव लगाना चाहिए कि हु वी आर, हम कौन है, और फिर साथ ही साथ आप इस तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हो व्हाट यू विल डू, आप क्या क्या इस ग्रुप में करने वाले हो। तो इस तरह की चीजें अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे हायर चांस होता है कि नए नए नेटवर्क और कनेक्शन बनने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनवाइट योर लिंक्डइन कनेक्शंस। अक्सर आप लिंक्डइन ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, देन इसी के साथ ही आपको हमेशा लिंक्डइन पर नए कनेक्शन बनाने के लिए इनवाइट करना होगा, क्योंकि एक सर्च बॉक्स जो होता है वो अपीयर करता है, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन का नेम लेके आप इजीली तरीके से इंडिविजुअल पर्सन का नेम सर्च कर सकते हैं और एक कनेक्शन बना सकते हैं जो आपके ग्रुप के क्राइटेरिया से मिलता है। तो इजीली तरीके से आपके ग्रुप के लोगों के साथ आप कंप्लीटली यहाँ पे क्राइटेरिया बना सकते हैं और लोगों को अवॉइड कर सकते हैं जो लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते, साथ ही साथ वो कुछ और सुटेबल करना चाहते हैं, वो आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं और साथ ही साथ आपकी जॉब टाइटल को देख रहे हैं, आप उन्हें इजीली तरीके से टारगेट कर सकते हो और नए नए कनेक्शन उनके साथ जोड़ सकते हो। तो इजीली तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लिंक्डइन कनेक्शन बना सकते हैं, लोगों से इन्वाइट कर सकते हो। जैसे हम ग्रुप बना लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इन्वाइट ऑफ अदर्स का, तो हम जैसे इन्वाइट अदर्स करेंगे तो हमें नए नए लोग मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आस्क कलीग्स एंड पीयर्स टू प्रमोट योर ग्रुप। आपको हमेशा अपने कलीग्स और साथ ही साथ जो भी आपके ग्रुप में है उन लोगों को पीयर्स करना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों को प्रमोट करें, इस प्रकार के आप रिलेवेंट लोगों से आप कनेक्ट हो पाओगे। साथ ही साथ आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें अगर आप ऑफर करते हो, कुछ इंसेंटिव देते हो रिटर्न के लिए, देन इसी के साथ कुछ बेनिफिशियल आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हो अपने काम के साथ ही साथ, और ये चीजें आप देते हो तो बहुत सा रिजल्ट जो होता है नए नए मेंबर्स को लेके आने में लोग भाग लगे रहते हैं और नए ग्रुप आपका लिंक्डइन ग्रुप बहुत जल्दी फास्ट होने लगता है। तो इजीली तरीके से कहने का मतलब यही है कि आपको अगर अपना ग्रुप प्रमोट करना है तो आपके जो अपने ग्रुप के लोग हैं या फिर जो कलीग्स हैं उन लोगों से बात कीजिए, देन उनसे बोलिए कि रिलेवेंट लोग चाहिए हमें हमारे ग्रुप के लिए, हम उन्हें अलग तरीके से बेनिफिशियल दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम जिन भी पर्सन से बोल रहे हैं, जो भी लोगों से हम बोल रहे हैं, हम उन्हें एक ऑफरिंग कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, और साथ ही साथ एक जितना पॉसिबल हो, क्योंकि जितना साउंड ऑफ वॉज अ ह्यूमन यानी कि माउथ पब्लिकेशन रहता है उससे ज्यादा मार्केटिंग कहीं हो नहीं सकती। तो इजीली तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस
प्रकार से आउटरीच यहाँ पे लगा सकते हैं और किस प्रकार से अपने प्लेटफॉर्म को एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ताकि इजीली तरीके से लोग ज्यादा लोगों को कहें और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होए, तो एक से एक बढ़कर हम ईमेल वर्क भी कर सकते हैं जो इजीली तरीके से लोगों के सामने हमारे ग्रुप को प्रमोट करेगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम किस प्रकार से लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, एक पर्सनल मैसेजिंग भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे डेमो यहाँ पे लगाया है कि किस प्रकार से एक बढ़िया तरीके से आप बोल सकते हो, कि किस तरह से आप यहाँ पे मैसेज की यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है सेंड अ न्यूज़लेटर टू योर ईमेल डेटाबेस। आपको हमेशा एक न्यूज़लेटर सेंड करना चाहिए जो एक आपके ईमेल के डेटाबेस में होता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब एक ऐसे इन्फ्लुएंसर आप आउटरीच करवाते हो, आपके टारगेट मार्केट तक आप पहुंचते हो, तो आपको यहाँ पे एक से बढ़ के एक ईमेल क्रिएट करना चाहिए जो शॉर्ट हो और साथ ही साथ आपके हाईलाइट यानी आपके पॉइंट के हाईलाइट करे और साथ ही जो भी आप बेनिफिट देना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करके लोगों के सामने ज्वाइन होने को बोले। तो डिपेंडिंग करता है कि किस प्रकार के लोगों को आप इंगेज करना चाह रहे हैं, किस प्रकार का डेटाबेस आपके पास है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रुप किस प्रकार के लोगों के साथ एक रिलेवेंट नीड्स को पूरा कर पा रहा है, कितने लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन होना पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, लोगों से एंगेज होना पड़ेगा और एक डिपेंडेंसी लोगों के सामने लानी होगी। तो इजिली तरीके से हम यहाँ पे एक न्यूज़लेटर्स के हिसाब से लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और एक अपने ईमेल डेटाबेस से अलग अलग लोगों को कंप्लीट पर्सनली हम यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे तो वो इजिली तरीके से हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप है 5, कंसाइडर अ लिंक्डइन स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लिंक्डइन पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगा रहे हो वो भी कंसाइडर, क्योंकि बूस्ट पोस्ट जो होती है सबसे ज्यादा अलाउ करती है आपकी टारगेट पोटेंशियल ग्रुप को मेंबर्स को लेके आने की, आपके जॉब टाइटल का हो या फिर फंक्शन या इंडस्ट्रीज या कंपनी साइज रिलेटेड हो या फिर अलग अलग सीनियरिटीज का लेवल का हो, तो स्पॉन्सर्ड जो होते हैं वो बहुत ही इजी टू सेटअप करने का होता है। आप चाहे तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि हमने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो वहां पे एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, यानी कि वो पोस्ट सबसे ज्यादा हाई एंगेजमेंट हुई है, हाई टारगेट पोटेंशियल लेके आ रही है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आती है लिंक्डइन पे, अगर आप इस प्रकार की पोस्ट डालते हो और लिंक्डइन के एल्गोरिथम आपको बताते हैं कि पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हो, टारगेट पोटेंशियल ग्रुप अपने मेंबर्स लेके आ सकते हो, चाहे वो आप जो टाइटल से लेके आना चाहते हो, अलग अलग फंक्शन इंडस्ट्रीज या कंपनी साइज से लाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर एड्स यहाँ पे लगाना होगा जो इजी टू सेटअप हम कर सकते हैं। देन इसी के बाद हम इस टॉपिक के बारे में भी जो एडवर्टाइजिंग के बारे में वीडियोस में बात करेंगे। देन अगर हम कंप्लीटली बात करें कि लिंक्डइन को स्पॉन्सर एड में क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा बजट कितना है और कम्प्लीटली जब इस प्रकार के एड्स लगाते हैं तो हम उसे कभी भी स्टॉप भी कर सकते हैं, और एड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एक ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। बट इससे आपको ध्यान रखना है जो भी कमिटमेंट्स दे रहे हैं अपने ग्रुप के लिए वो एक सही तरीके से लोगों के सामने साबित हो, और साथ ही साथ आप जो भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देन इसी तरीके से हम यहाँ पे कंसाइडर कर सकते हैं, लिंक्डइन स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगा सकते हैं जो हायर वे में हमारे लोगों को और भी कनेक्शन यानी डिफरेंट डिफरेंट नए नेटवर्क्स को लेके आने में हेल्प करेगा और हमारे ग्रुप को एक इजीली तरीके से फास्ट करने में हेल्प करेगा। देन इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप है 6, गिव योर ग्रुप अ फोकस। आपको अपने ग्रुप में फोकस देना चाहिए, किस प्रकार से अपने ग्रुप के लिए फोकस ला सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन ग्रुप को सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं, उसको फास्ट ग्रोइंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत यही होगी कि उसके जो बेसिक है या जो उसके पर्टिकुलर सोशल मीडिया साइट से आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि अगर आप छोटी से स्मॉल सोशल मीडिया का हेल्प लेते हो और साथ ही साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लिंक्डइन ग्रुप के बारे में लोगों को बताते हो, लोगों से बोलते हो कि आप वहां ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चीजें मिलेंगी। देन इसी के साथ ही बहुत से लोग ये करते हैं भी, और जो सबसे पहली चीज होती है जो लोगों के सामने अटेंशन लेके आती है कि जो ग्रुप है वो किस प्रकार से लोगों के सामने सर्व कर रहा है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको ग्रुप के लिए कैसा फोकस पॉइंट क्रिएट कर देना है कि ज्यादा से ज्यादा नए नए ऑडियंस और नए नए कनेक्शन आपके साथ जुड़ना पसंद करे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत से ग्रुप्स के बारे में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट वे में बात करें, हम किसी टॉपिक को सर्च करते हैं, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर अकाउंटेंट्स हम सर्च करते हैं, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें रिजल्ट्स होते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से डिस्कशन होता है, कितने मेंबर्स यहाँ पे जुड़ते हैं। तो ये चीजें अगर हम लोगों के सामने फोकस वे में रखते हैं तो ये हायर वे में रिजल्ट हमारा और साथ ही अब ग्रुप ग्रो होने लगता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है 7, फाइंड पीपल हु माइट बी वर्थ इनवाइटिंग टू योर ग्रुप। आपको वैसे लोग ढूंढने हैं जो आपके ग्रुप के लोगों को इनवाइट कर सके, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इनवाइट कर सके, क्योंकि जब भी हम इम्प्रूव चाहते हैं बेसिक से रिलेटेड हमें चीजों को कुछ ग्रुप में कुछ चीजों का हमें फोकस करना होगा। तो चलिए इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी भी लोगों का इंतजार करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ पे लगता है। देन इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर हम सही वे में सही लोगों को यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं और सही मैच करते हैं हम सोशल मीडिया ग्रुप के थ्रू और साथ ही साथ इन्वाइट करते हैं लोगों को ज्वाइन होने के,
लिए। तो यहाँ पे एक इजी वे में ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिए, अब कोई पर्सन आएगा और इन्वाइट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके हैं। देन इसी के साथ अगर हमें अपना ग्रुप इन्वाइट करना है या ग्रो करना है तो हमें लोगों को इन्वाइट करना होगा सही वे में, और साथ ही साथ हमें एक रीजन के साथ एक कम्प्लीटली सही नॉलेज भी यहाँ पे देना होगा ग्रुप में। देन इसी के साथ ही हमारा ग्रुप ज्यादा ये चांस होगी कि बहुत से लोग हमारे साथ इन्वाइट होना पसंद करेंगे। तो इसलिए तरीके से हमें लिंक्डइन ग्रुप के बारे में इन्विटेशन सेंड करना चाहिए, ज्यादा लोगों को एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेके आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप है 8, क्रिएट अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर हुज ज्वाइनिंग योर ग्रुप। आप जो लोग ग्रुप आपके साथ में ग्रुप के साथ में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन्हें एक बढ़िया एक्सपीरियंस दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सही हेल्प करते हो लोगों की, सही बेटर इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, अगर सही इंप्रेशन रहता है आपके ग्रुप का, लोग आपके मेंबर ब्राउज होते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को और ज्वाइन करने की बोलते हैं। तो देन इसी के साथ ही आपका जो टाइम रहता है वो भी बचता है। देन इसी के साथ बहुत से लोग आपके साथ आते हैं, एंगेज होते हैं और ग्रुप के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया वे होता है अगर आप यहाँ पे सही तरीके से लोगों के सामने एक्सपीरियंस देते हैं। जो लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं और कंप्लीटली लोगों के सामने बताते हैं कि किस तरह से चीजें यहाँ पे की जाती है, किस तरह का नॉलेज यहाँ पे शेयर किया जाता है, किस प्रकार के किसी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है, तो एक बढ़िया वे में एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे मिलता है। चलिए नेक्स्ट 9 स्टेप है मॉडरेट योर ग्रुप। आपको अपने ग्रुप को मॉडरेट करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपको ग्रुप को एक्सक्लूसिव वे में लेके आना चाहते हो या फिर स्क्रीनिंग करना चाहते हो, लोगों को ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो आपके यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रबल कॉसेस जो जाती है वो कम होने लगती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो भी अनवांटेड एक्टिविटीज है या पोस्टिंग डाल रही है या बहुत से ग्रुप के लोग क्या करते हैं, अनवांटेड चीजें डाल देते हैं, अलग अलग डिफरेंट वे के पोस्टिंग डाल देते हैं या फिर खुद की अपनी क्रॉस मार्केटिंग करने लगते हैं, तो ये आपके ग्रुप के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंप्रेशन लोगों के सामने घटता है और बहुत से लोग ग्रुप से लीव होने लगते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इससे हमें इस प्रकार की अपने खुद के ग्रुप के रूल्स को बनाना चाहिए, ताकि अनवांटेड चीजें लोग ना पोस्ट करें, सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन करें और नॉलेज से रिलेटेड ही बात करें। तो हम जो भी ग्रुप में देना चाह रहे हैं उस प्रकार का हमारे पास रीजन रिलेटेड काम होना चाहिए। देन इसी के साथ हमें अपने ग्रुप के लिए रूल्स को क्रिएट करना चाहिए जो मैनेज कर सके हमारे ग्रुप के सेक्शन को। तो हमें सिलेक्ट करना होगा ग्रुप के रूल्स को जो हमने कम्प्लीटली जाना भी था। देन लेफ्ट हैंड पेन पे होता है जो हम ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे हमें ग्रुप रूल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि नए नए पर्सन जब हमारे ग्रुप में आएंगे और देखेंगे हमारे ग्रुप के रूल्स को तो कम्प्लीटली उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो हमारे ग्रुप में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो मैनेज ग्रुप में आप जाके इजिली तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रुप इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे ग्रुप रूल्स मिल जाएगा, जहां पर आप अपने ग्रुप को मॉडरेट कर सकते हो और कम्प्लीटली उसे कंट्रोल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है 10, प्रमोट योर ग्रुप ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने ग्रुप को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपने फॉलोइंग बढ़ानी चाहते हो, अपने ग्रुप के फॉलो बढ़ाना चाहते हो, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप और भी बहुत से इंस्टाग्राम आ चुके हैं, तो इस तरह की चीजें आप लिंक्डइन ग्रुप पर ला सकते हो। अपने ग्रुप के बारे में यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को बता सकते हो, जो आपसे पहले कनेक्ट है वो आपके ग्रुप पर भी आएंगे और एक नई चीज यहाँ पे सीखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लोगों के सामने एक बढ़िया चांस आ जाता है इंगेज करने का। देन ये प्लेटफॉर्म जो होता है जब लोगों को अपने बारे में बताता है और कंप्लीटली सोशल नेटवर्क ग्रुप जो होता है एक से बढ़कर दो लोगों को यहाँ पे शेयरिंग की जाती है। तो इजीली तरीके से यहाँ पे आपका ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट होने लगता है और आपका ग्रुप इजीली तरीके से ग्रो होने लगता है। आई होप कि आपको कम्प्लीटली एक नहीं दो नहीं 10 स्टेप समझ में आया होगा कि किस तरह से जब हम ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप के बारे में कम्प्लीटली मैनेज कर लेते हैं, देन इसी के साथ हम किस तरह से अपने ग्रुप को एक फास्टली ग्रो कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आप डिटेल में समझा होगा। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।